नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। गौरझामर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। राजनीति में अक्सर हमने सुना है कि जब भी किसी सरकार या परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस वक्त राजनीति में पैसों और बाहुबल के दम पर जनप्रतिनिधियों से सपोर्ट और वोट मांगा जाता है। लेकिन यहां एक पंचायत में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव में सपोर्ट करने के लिए एक पंच ने महिला सरपंच से उसकी इज्जत ही मांग ली। इस मामले में महिला सरपंच ने थाने पहुंचकर शिकायत की है और सबूत के तौर पर एक ऑडियो भी पेश किया है। सागर टीवी न्यूज के संवाददाता प्रहलाद साहू की इस रिपोर्ट पर जरा एक नजर डाल लीजिए। राजनीति में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा आप सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र की इस घटना से लगा सकते हैं, जहां एक महिला सरपंच के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव में उसका सपोर्ट करने के एवज में एक पंच ने उसकी इज्जत ही मांग ली। जी हां, महिला सरपंच के पक्ष में वोट करने के लिए इस पंच ने उसे अकेले में मिलने की पेशकश की और उसकी असमत उसके हवाले करने को कहा। इस मामले में महिला सरपंच ने ऑडियो गौरझामर थाने में जाकर पुलिस को सौंपा है और आरोपी पंच की शिकायत की है। मैं समाज की है, जो हमने कही थी उनसे कि हमें वोट चाहने हैं, वे बोले हमसे कि तुम वोट चाह रहे हैं तो हमारे इतिया हुआ है, सब हम हमें हाँ मिला रहे। हाँ, उसे 5 मिनट 10 मिनट होने ही लगा रहा कि कब तक आ रही। हमने कि हमें संग दे हो कही हम दे। इनका ये कहना है कि इनके गांव में एक पंच है जी, पंच इनको परेशान करते हैं, रघु नाम है उनका जी, इनको इनको अपने पास बुलाते हैं बात करने के लिए और फोन पे भी इनको बुलाया कि मेरे पास आ जाओ, कुछ बात करनी है। और इनका कहना है उल्टी सीधी बात नहीं करते हैं, वो हरकत करते हैं। अच्छा, कितने बजे इनको बुलाते हैं? उनका ये कहना है, अभी प्रशासन ने बताया है कि रात को 10 बजे करीब उन्होंने फ़ोन लगाया था, अभी मैं बुला रहे। तो इसमें सर FIR कायम हुई? हाँ, अभी उन्होंने रिपोर्ट की है, कार्रवाई की जा रही। आइए अब आपको इस बातचीत के उस ऑडियो का कुछ हिस्सा सुना देते हैं, जिसे सुनकर आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और हाँ, हम इसको पूरा ऑडियो इसलिए भी नहीं सुना सकते क्योंकि इसमें कहीं कुछ बातें बेहद अश्लील हैं, जिन्हें हमारे हिसाब से सभ्य समाज को नहीं सुनना चाहिए। हेलो हेलो, करो क्या कह रहा तो वैसे इनसे कही थी हमने भी तो चला गया था तुम लोगों से बात कर लगे तुम से बस हुआ है कि नहीं आया हम तो देखो तुम लोगों के सामने हम लग गए हम तो यहाँ पर आए आ रहे हैं हम गा चिता गा तो नहीं कर हो को हम अकेले ही आने की थी हाँ पक्की बता दो सपोर्ट कर हो सर हम लोगों का कुछ कहे मानो नहीं हम है अकेले और नहीं आ रहे नहीं आओ हम चले जा रहे हैं और मैं अपन अकेले में बैठे हैं अपने काम भी करेंगे जा रहे बोलो पते हम जा कह रहे कि हम आ रहे हैं हमारा सपोर्ट कर न पा रहे हमारा सपोर्ट कर न पा रहे हम आ रहे हैं हमारी तरफ रह न पा रहे को हम यान ने जी समूह का रवा रहे हैं यान ने जी तुम्हारी तरफ को उन्हें लगान बताई तुम्हारी तरफ उठाई काकन नहीं काकन नहीं तुम्हें देखो आज ये तो तुम्हें के लिए गया हम आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं अकेले हो हाँ हम कहाँ मिले जहाँ के दे हो तो? जहाँ से आ दे हो देखो हाँ देखो हम लोग हैं का मैं जगनल के तेज हम तो बता रहे थे बते हो तो सुख का कर हो तुम हमारे संग है तुम तो बते हो हम का बताएं जब हमें समझ में नहीं आ रही सुना हो जब हम बते हो पहले हम बताओ चलने या हम हाथ लिए अरे हम दिखा हैं जो पहले देखो तुम्हारे में हम कर रहे हैं फोन बंद लिख दिए अपने
तो तुम बता कर नहीं रहे हो कि हमारे दुकान नहीं है। दुकान तो सीधो कछु करान लगे तो तुम बता दे का कर रहे हो। तुम बता, तुम बोला रहे हो कहते अकेले अकेले हाँ सुबह हम कह रहे तो बताओ क्या तुम बोला रहे तुम अकेले तो मैं हमारी अरे हाँ सही बोल गयू सही नहीं अब तो मैं भी कुछ समझ नहीं आता मैं ना हम कर रहे हैं चलो मैं ना नहीं ज्यादा नहीं हमें सुन रहे आप पहल बता रही है सही मुझे यान लगे मैं तुम कभी मुझे यान लगे हाँ तो आ गया तुम क्या करने कोई अक्षर किया गया था मैं क्या करने मैं तो हमें तो यान लगा था मैं तेरी तुम्हारे नहीं कह रहा है क्या मैं समझ में नहीं आ रही क्या बता रहा है यार कौन से किया हम तुम्हें क्या अच्छा हमें फोन बंद कर रहे हम चले आ रहे हैं कश्मीर दिन हाँ अब क्या है मेरे दादी अब तो मैं यहाँ रहती है तो नहीं पा रहा हाँ तो बात हम जा रहा है तो मुझे इसी तरह जो कि हाँ वैसा बुक जाना सही है तो हम जा रहा है तो हम फोन बंद हो जी तो मैं यहाँ हूँ सुबह मैं यहाँ हूँ 10 मिनट अब बात ही रहे वाकई महिलाओं को राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती तो शायद उनकी अस्मत की सुरक्षा ही है, वरना बुरी नीयत और गंदी नजर रखने वाले लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। यह थी हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। अगर यही वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ में जो बेल आइकॉन का ऑप्शन आया उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी खबरों के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। भाजपा जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टर ललित उपाध्याय और डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय को सदस्य बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक बीएमसी मेन गेट के सामने सागर मध्य प्रदेश। संत शिरोमणि गाड़गे महाराज की जयंती के पावन पर्व पर विशाल वाहन रैली का आयोजन 22 फरवरी 2018 दिन गुरुवार को पहलवान बब्बा मंदिर और शोभा यात्रा 23 फरवरी 2018 को शुक्रवार केशरवानी धर्मशाला से 12 बजे से निकाली जाएगी, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। निवेदक अखिल भारतीय रजक महासंघ।